What is the full form? Maharashtra Value Added Tax. ओके अभी कुछ साल ही पहले इसको नया नया बोला गया था, ये एबॉलिश होने वाला भी है लेकिन सिलेबस में तो पढ़ना है ना। सो महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स आपको सीखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा द प्रोविजंस ऑफ महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2002। इन प्रोविजंस में अभी आपको मैं टॉपिक वाइज इसका क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, तो प्रोविजंस में मेनली आपको क्या क्या सीखना है। नंबर वन, फर्स्ट डेफिनेशंस, when you learn the MVAT, there are certain terms which are defined in the context of MVAT provisions. मतलब MVAT provisions के लिए कुछ terms को define किया गया है, वो definitions हम लोग को सीखनी है। Generally किसी भी act में अगर आप देखो तो definition जो होते हैं section 2 में आते हैं। कौन से section में आते हैं? section 2। तो यहाँ पे भी MVAT act 2002 का जो section 2 है उसमें कुछ डेफिनेशन है, उसमें से हम लोग को एक 10-11 डेफिनेशन है जो हम लोग को सीखनी है। कुछ एकदम छोटी डेफिनेशन है, कुछ बड़ी है, कुछ मीडियम साइज की है, वो सारी डेफिनेशन हम लोग को सीखनी है। बिकॉज कुछ डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिकल टाइप का भी जैसे रहता है और थियोरटिकल टाइप भी रहता है, तो वेटेज काफी अच्छा है डेफिनेशन। तो एक इसको हम लोग बोल सकते हैं ये एक हमारा 10 से 11 डेफिनेशन मतलब हो गया। एंड थ्योरी के साथ उन डेफिनेशन को समझना है आप, बिकॉज खाली उसका थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता है, और उसका जो क्वेश्चन आता है अगर आपको बराबर से वो क्वेश्चन का आंसर आ गया ना, तो उसका अगर 7 to 8 मार्क्स के लिए आ गया, यू कैन अटेम्प्ट इट विद इन 5 मिनट्स। मतलब आंसर खूब बहुत ही छोटा रहता है, मैच द फॉलोइंग कैसे रहता ना, सब उतना छोटा रहता है, तो फटाक से आप लिख सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको कुछ डेफिनेशन जो है वो डिटेल में सीखने पड़ेंगे। Clear about that? Second, registration. Of a dealer. Under MVAT Act, dealer tax भरता है। कौन tax भरता है? Dealer. अब डीलर कौन होता है ये हम लोग डेफिनेशन में तो सीखने ही वाले हैं, बट आपके एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि डीलर मतलब जनरली एमवैट कौन भरता है। एमवैट इज अ सेल्स टैक्स। एमवैट इज व्हाट? सेल्स टैक्स। तो जो सेलर होता है ना वही एमवैट भरता है। कौन एमवैट भरता है? सेलर। तो सेलर को यहां पे क्या बोला गया है एमवैट एक्ट में? डीलर। और एंड एज पर एमवैट एक्ट दे आर सेइंग डीलर इज गोइंग टू पे द टैक्स। हु इज गोइंग टू पे द टैक्स? डीलर। तो डीलर को टैक्स भरने से पहले तो रजिस्ट्रेशन के क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है वो हम लोग को प्रोविजन सीखने हैं, और इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत मजेदार बहुत ईजी रहते हैं। 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान रहता है। ओके सो ये हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद computation of VAT liability of a dealer. Dealer की VAT liability calculate करनी है आपको monthly basis पे। वो VAT liability calculate करने के लिए हम लोग यहाँ पे सीखेंगे किस तरह से VAT calculate किया जाता है, किस तरह से dealer government को tax भरता है, कितना tax भरता है, उसके provisions क्या है, बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं।
इसे हम लोग सीखेंगे कि वैट में कितने टाइप के शेड्यूल्स होते हैं। जैसे इनकम टैक्स में हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ इनकम है ना, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स है, और ये सेल्स टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये गुड्स बेचे जाएंगे तो गुड्स के ऊपर टैक्स भरा जाएगा, यस और नो, सेल ऑफ गुड्स। तो कौन से गुड्स बेचे तो कितना टैक्स, देखो आप रेस्टोरेंट, अभी तो जीएसटी ने उन्होंने क्या बोल दिया 18% कर दिया था, कॉमन है ना, उसमें एचजीएसटी था और सीजीएसटी, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एचजीएसटी, ऐसा आपने देखा नहीं है, वो उसका ब्रेकअप 18 का ब्रेकअप है, 9% गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 9% गोज टू द स्टेट गवर्नमेंट, बरोबर। बट एमवैट में ऐसा नहीं है, एमवैट में जैसे गुड्स का आप सेल करोगे ना वैसे आपको उसका रेट लगेगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट विच गुड्स आर कवर्ड अंडर विच शेड्यूल, सो देर आर सम शेड्यूल्स विच वी हैव टू लर्न अंडर दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक तो शेड्यूल सीखने हैं, उसके टैक्स रेट सीखने हैं और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टैक्स लायबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, टैक्स लायबिलिटी में आपको परचेस का टैक्स जो रहता है उसका रिफंड मिल जाता है और क्या एडजस्टमेंट मिल जाता है, उसको हम लोग इनपुट क्रेडिट बोलते हैं। व्हाइल कैलकुलेटिंग द टैक्स वैट लायबिलिटी, वो परचेस का आपको, परचेस के टाइम पे आपने टैक्स, समझो मैं डीलर हूं, मैंने ये कैलकुलेटर खरीदी किया, अब मैंने जब खरीदी किया तो जाहिर सी बात है मैंने जिससे खरीदी किया वो सेलर, उसने इसका टैक्स भरा होगा कि नहीं। अब मैं डीलर हूं, ये कैलकुलेटर मैं बेच रहा हूं तो मैं भी टैक्स भरूंगा, तो मेरे पास से तो दो बार टैक्स जा रहा है, पहला कब जा रहा है बताओ, जब मैंने खरीदी किया, तो जाहिर सी बात है सेलर टैक्स भरेगा, लेकिन वो अपने जेब से भरेगा कि मेरे पास से मांगेगा, मेरे पास से मांगेगा, तो मेरे लिए टैक्स ऑन परचेस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा टैक्स ऑन, और उस टैक्स ऑन परचेस का इनपुट क्रेडिट मिलता है, और वो किस तरह से मिलता है, उसके रूल्स क्या है, वो सारे हम लोग को सीखने हैं। उसके अलावा ये इनपुट क्रेडिट के और कुछ एडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो पूरा हम लोग को यहाँ पे सीखना है। थोड़ा सा थ्योरी इसमें कंपेयर टू रजिस्ट्रेशन, इसमें थोड़ा थ्योरी ज्यादा, एकदम थोड़ा ज्यादा है, ओके सो थोड़ा सा ही थ्योरी ज्यादा है, बट इसका भी क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाता है, मतलब टाइम ही नहीं लगता है, कभी कभी तो आप मार्क का क्वेश्चन 8 मिनट, जितना टाइम आपको पिछले सेमेस्टर में टैक्स का पेपर सॉल्व करने में लगता था ना, उससे आधा टाइम अभी लगेगा, इतना सिंपलीएस्ट पेपर आएगा, ओके। और लास्ट में हम लोग सीखेंगे वैट में, see these are the parts of the VAT I am telling you we are going to learn, इसके अलावा बाकी के theories पढ़ेंगे हम लोग, बाकी के provision, remaining provisions। अब remaining provisions में क्या क्या आएगा, remaining provisions में आता है, बहुत सारे provisions रहेंगे यहाँ पे, उसमें आएगा कि dealer जो होता है उसको tax भरना है, VAT भरना है, तो VAT के, जैसे हम लोग income tax yearly भरते हैं, तो dealer को VAT कैसे भरना है, ईयरली भरना है, मंथली भरना है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कैसे भरना है, वो हम लोग को प्रोविजन सीखने, अलग अलग डीलर को अलग अलग प्रोविजन है, इंडिविजुअल डीलर है, इंडिविजुअल तो उसको अलग है, पार्टनरशिप डीलर है तो अलग है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी डीलर है तो उनके लिए अलग है, टैक्स भरने के, वैट लायबिलिटी भरने के लिए अलग प्रोविजन है, वो सीखने, और अगर टाइम पे वैट नहीं भरा तो कितना इंटरेस्ट लगता है, कितना पेनल्टी लगता है, क्या सजा हो सकती है, ये सारी चीजें। उसके अलावा देखो टैक्स भरना एक बात अलग होती है और उसका रिटर्न करना एक बात अलग होती है, तो इसमें वैट में रिटर्न कब फाइल किया जाता है, रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा, क्या पेनल्टी लगेगी या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पे सीखने वाले हैं, रिमेनिंग प्रोविजंस में। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। तो 4 है एमवैट में, 4 डिविजन है, नंबर 1 क्या सीखना है अपने को, डेफिनेशन, 2 क्या सीखना है, रजिस्ट्रेशन, 3 क्या सीखना है एंड 4 क्या सीखना आपको, रिमेनिंग प्रोविजंस। आर यू क्लियर अबाउट दिस? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, मैं ऐसा कुछ नहीं कि इसी ऑर्डर में जाऊंगा, आई विल पिकअप द ऑर्डर, मतलब जैसे मुझे लगेगा वैसे मैं ऑर्डर में पिकअप कर लूंगा और टॉपिक सिखाऊंगा। जनरली मेरा ऑर्डर क्या रहता है, फर्स्ट आई टीच एंड देन आई प्रोबेबली आई टीच दिस, बिकॉज अभी आपको इंटरनल्स में ये पूछा जाएगा दोनों के ऊपर क्वेश्चन, तो मैं अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, रजिस्ट्रेशन, फिर डेफिनेशन, फिर कंप्यूटेशन है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में प्रैक्टिकल है, फिर इधर थोड़ा थ्योरी है, थ्योरी सीखना है, फिर उसके बाद यहाँ पे वापस प्रैक्टिकल, ये थ्योरी, लेकिन ये एक दो लेक्चर का ही काम है, हार्डली एक दो लेक्चर का काम है, रिमेनिंग प्रोविजन जो है ना वो हार्डली एक हाथ दूसरे लेक्चर का काम है, यहाँ पे हम लोग को टाइम लगेगा, यहाँ पे टाइम लगेगा, यहाँ टाइम लगेगा। आर यू क्लियर अबाउट दिस 100%? नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन ऑफ डीलर।
अब ये चार पार्ट कर दिए तो डरो मत, बड़ा नहीं हो आप सोचोगे अरे एमवैट एक ही चैप्टर हम लोग ने सोचा, यहाँ पे तो सर ने चार चैप्टर बना दिए एक ही चैप्टर का, बट इसमें कुछ डरावनी बात कुछ है नहीं, मतलब चैप्टर बड़ा हो गया ऐसे नहीं, चैप्टर है उतना ही है और इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ डीलर। डीलर को डिफाइन किया गया है और वो डेफिनेशन हम लोग बाद में देखेंगे, ओके। फिलहाल रजिस्ट्रेशन ऑफ डीलर, तो यहां पे सब लोग ध्यान से मुझे किसका रजिस्ट्रेशन होता है ब्रेडमन? डीलर का रजिस्ट्रेशन होता है, बरोबर है। अब एमवैट के अंदर मैंने आपको एक कॉमन सेंस, मतलब क्या बोलते हैं कॉमन सा मीनिंग होता है कि कॉमन इंसान के लिए जो पता रहेगा उसके लिए, हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं डीलर, डीलर का डेफिनेशन देखने वाले, लेकिन फिर आप याद रखो डीलर मतलब एक सेलर, इट इज अ सेल्स टैक्स, बट हम लोग क्या बोलेंगे डीलर। अब फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन एमवैट में डीलर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, यहां पे मैंने जैसे बताया एमवैट महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स, महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स जैसे नाम ही है उसका महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स, यहां पे ये काइंड ऑफ सेल्स टैक्स है, क्या है? सेल्स टैक्स। बट ये सेल्स टैक्स सिर्फ कहां पे चलेगा? महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र के बाहर गुड सेल किए तो उसके ऊपर एमवैट के अंदर सेल्स टैक्स नहीं आएगा, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के अंदर गुड्स अगर बेचे जा रहे तो ही टैक्स आएगा, महाराष्ट्र के बाहर होगा तो टैक्स आएगा, बट नॉट अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर उसी सेल्स के ऊपर टैक्स लगेगा जो कहां पे हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है। अब जो कोई डीलर महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में गुड्स सेल कर रहा है तो उसको एमवैट एक्ट के अंदर टैक्स भरना पड़ेगा ऑन सेल ऑफ हिज गुड्स, यस और नो? बट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो टैक्स भरता है, हु इज गोइंग टू पे द टैक्स? डीलर। लेकिन डीलर को टैक्स भरने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब आप ये बोलोगे कि रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन हो गया मतलब टैक्स भरना पड़ता ही है, यू हैव टू पे द टैक्स, आर यू क्लियर और नॉट? तो बोले कोई भी बोलेगा यार रजिस्ट्रेशन करेंगे नहीं, कैसे नहीं करोगे, गवर्नमेंट आपको पकड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एक सर्टन लिमिट के बाद, सर्टन लिमिट के बाद डीलर को अपना रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। ऐसा किसने बताया? एमवैट एक्ट, एमवैट एक्ट 2002 सेज आफ्टर दिस लिमिट डीलर मस्ट रजिस्टर हिमसेल्फ एंड स्टार्ट पेइंग द टैक्स। उस लिमिट के अंदर अगर आप हो तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन आप भरना चाहते हो गवर्नमेंट को तो अच्छी बात है, क्योंकि जो डीलर रजिस्ट्रेशन करके टैक्स भरता उसको प्रिविलेजेस मिलते हैं गवर्नमेंट के पास से, आर यू क्लियर और नॉट? लेकिन अगर कोई नहीं भर रहा है तो एक लिमिट के बाद, और वो लिमिट क्या है, किस चीज के, वो देखने के लिए पहले लिमिट देने के लिए एमवैट एक्ट 2002 ने डीलर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया? दो कैटेगरी। सो डीलर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नंबर वन इंपोर्टर, अ डीलर कैन बी इंपोर्टर और अ डीलर कैन बी अदर डीलर, डीलर कैन बी इंपोर्टर और अ डीलर कैन बी एन अदर डीलर। तो डीलर दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। सब लोग बोलो कितने टाइप के डीलर होते हैं? दो टाइप के, नंबर वन इंपोर्टर, नंबर टू अदर डीलर। अब इंपोर्टर मतलब कौन, विच डीलर विल बी कॉल्ड एज इंपोर्टर? इंपोर्टर वो है जो इंपोर्टर है, और अदर डीलर वो है जिनो जो इंपोर्टर नहीं है। इंपोर्टर कौन है? जो इंपोर्टर है, और अदर डीलर कौन है? जो इंपोर्टर नहीं है। तो हम लोग को क्या सीखना चाहिए बोलो? इंपोर्टर सीखना चाहिए, क्योंकि अगर इंपोर्टर नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? अदर डीलर। दो ही कैटेगरी, तीन कैटेगरी बोला क्या मैंने? नहीं, पहला कैटेगरी और दूसरा कैटेगरी, इंपोर्टर कौन है और अदर डीलर कौन है? जो इंपोर्टर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को क्या सीखना चाहिए? इंपोर्टर। विच डीलर विल बी कॉल्ड एज इंपोर्टर, वो हम लोग को देखना है सेक्शन 2 सब सेक्शन 12
इंपोर्टर का डेफिनेशन दिया गया है एंड दिस इज इंपोर्टर इज इंपोर्टर इज अ डीलर हु ब्रिंग एनी गुड्स इन एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं मैं आपको जस्ट समझने के लिए महाराष्ट्र फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट सिंपल भाषा में इंपोर्टर इज अ डीलर हु परचेज गुड्स फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र जो डीलर महाराष्ट्र में है और वो महाराष्ट्र के बाहर से गुड्स खरीदी कर रहा है उस डीलर को हम लोग क्या बोलेंगे इंपोर्टर अ डीलर हु ब्रिंग्स एनी गुड्स इन महाराष्ट्र फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र आउटसाइड महाराष्ट्र से वो गुड्स कहां पे लेके आ रहा है महाराष्ट्र में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंपोर्टर बोलेंगे और अगर वो महाराष्ट्र के बाहर से गुड्स नहीं खरीदी कर रहा मतलब वो क्या हो जाएगा इंपोर्टर नहीं है और इंपोर्टर नहीं है मतलब वो कौन बन गया ऑटोमेटिकली अदर डीलर सो इंपोर्टर वो है जो इंपोर्टर है और अदर डीलर वो है जो इंपोर्टर नहीं है इसके लिए हम लोग को पता करना है कि इंपोर्टर कौन है तो इंपोर्टर कौन है इंपोर्टर इज अ डीलर हु परचेज गुड्स फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र हु ब्रिंग्स एनी गुड्स इन महाराष्ट्र फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट तो महाराष्ट्र के बाहर से अगर कोई गुड्स वो अंदर लेके आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर परचेस करके तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंपोर्टर दूसरा आगे भी इसके डेफिनेशन में लिखा है एनी गुड्स डिस्पैच टू हिम फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र उसने खुद ने नहीं लाया लेकिन उसको भेजे गए गुड्स किसी ने महाराष्ट्र के बाहर से कहां से भेजे गए महाराष्ट्र के बाहर तो भी उसको क्या माना जाएगा इंपोर्टर वो डेफिनेशन में हम लोग डिटेल में सीखने वाले लेकिन फिलहाल इतना समझो इफ अ डीलर ब्रिंग्स एनी गुड्स इन महाराष्ट्र फ्रॉम आउटसाइड स्टेट देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट इंपोर्टर उस डीलर को हम लोग क्या बोलेंगे इंपोर्टर और अदर डीलर कौन है जो इंपोर्टर नहीं है सो इफ द डीलर डू नॉट परचेज एनी गुड्स फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र देन ही विल ऑटोमेटिकली बिकम व्हाट अदर डीलर आर यू क्लियर और नॉट और फिर ये दो कैटेगरी के करने के बाद गवर्नमेंट ने क्या बताया कि इनके दोनों के लिए एक लिमिट सेट की उस लिमिट के बाद वो लिमिट अगर क्रॉस करता है समझो इंपोर्टर के लिए लिमिट है और अदर डीलर के लिए लिमिट है तो इंपोर्टर के लिए एक लिमिट दे दी मतलब लिमिट दे दी ये लिमिट अगर आपने क्रॉस की तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है कंपल्सरली और आपको पेमेंट ऑफ टैक्स करना है अंडर एमवैट एक्ट 2002 मेरी बात दिमाग में जा रही है कि नहीं हम लोग क्या देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन किसका डीलर का डीलर कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के होते हैं पहला दूसरा इंपोर्टर कौन है और अदर डीलर कौन है तो इंपोर्टर कौन है अ डीलर हु परचेज सिंपल भाषा में अ डीलर हु परचेज गुड्स फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र इसमें डेफिनेशन हु ब्रिंग्स अ गुड्स इन महाराष्ट्र फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट है ना तो ऐसा बोला गया तो अगर मैं आपको कुछ सवाल पूछूं अभी आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना मैं डीलर के बारे में बता रहा हूं वो कहां से गुड्स परचेस कर रहा है ये बता रहा हूं आपको पहचानना है कि वो इंपोर्टर है कि अदर डीलर है रेडी मैंने क्या बोला मैं डीलर का नाम बोलूंगा या नहीं भी बोलूंगा बट वो गुड्स कहां से परचेस कर रहा है वो बताऊंगा आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो इंपोर्टर है कि अदर डीलर रेडी पक्का बोलो A dealer purchase goods from Goa. Importer के other dealer. Goa महाराष्ट्र में आता है नहीं आता है तो क्या हो गया Goa से खरीदी किया ना है ना A dealer Brandon purchase goods from Goa. दारू लेके आया उधर से इधर बराबर है कि नहीं तो importer हुआ कि other dealer हुआ Importer outside महाराष्ट्र से बराबर ना A dealer purchase goods from Surat. सूरत कहां पे आता है गुजरात में आता है सूरत कहां पे आता है ये किधर बोला दिल्ली में आता है धन्य सही है मतलब तूने वो गोवा से शराब लाते लाते थोड़ी मार ली मतलब अभी है ना तो सूरत कहां पे है गुजरात में है
एंड दैट इज अगर सूरत से गुड्स खरीदी किया तो क्या बन जाएगा इंपोर्टर. अ डीलर परचेज गुड्स फ्रॉम मुंबई. अ डीलर परचेज गुड्स फ्रॉम सोलापुर. इंपोर्टर के अदर डीलर सोलापुर महाराष्ट्र में है. अ डीलर परचेज गुड्स फ्रॉम कोल्हापुर. अ डीलर परचेज गुड्स फ्रॉम कानपुर. नाउ इज इंपोर्टर. कानपुर इज इन कानपुर महाराष्ट्र में नहीं आता है तो ये ध्यान रखना. अच्छा एक और बार ट्राई करते हैं. अ डीलर परचेज गुड्स फ्रॉम एमपी दैट इज मध्य प्रदेश. अ डीलर परचेज गुड्स फ्रॉम वसई. अ डीलर परचेज गुड्स फ्रॉम भाईंदर. अ डीलर परचेज गुड्स फ्रॉम पुणे. अदर डीलर पुणे इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र. अ डीलर परचेज गुड्स फ्रॉम चाइना. इंपोर्टर है महाराष्ट्र के क्या वो तो इंडिया के भी बाहर है. बराबर है कि नहीं. सो दैट इज द थिंग. तो समझ में आ गया आपको इंपोर्टर कैसे पहचानने का. ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा. दिस इज द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू सी इन द क्वेश्चन. ये पहला स्टेप रहेगा आपका क्वेश्चन में. यू हैव टू आइडेंटिफाई के डीलर इज एन इंपोर्टर और एन अदर डीलर. सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है एम्ब्रोस. डीलर कौन है. इंपोर्टर है या अदर डीलर है. बराबर है कि नहीं. इंपोर्टर वो है जो इंपोर्टर है और अदर डीलर वो है जो इंपोर्टर नहीं है. तो इंपोर्टर कौन है. अ डीलर हु ब्रिंग्स एनी गुड्स इन महाराष्ट्र फ्रॉम आउटसाइड. उतना नहीं समझ में आता तो सिंपल में क्या बोलने का. अ डीलर हु परचेज गुड्स फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र. समझ में आ गया. तो अगर एक बार आपने आइडेंटिफाई किया कि डीलर इंपोर्टर है या अदर डीलर है तो उसके लिए हम लोग लिमिट्स देखेंगे जिसको हम लोग कंडीशंस भी बोल सकते हैं. यस और नो. तो इंपोर्टर के लिए दो कंडीशन दिए और अदर डीलर के लिए. सबसे पहले मैं कंडीशन देखता हूं या लिमिट्स फॉर इंपोर्टर. इंपोर्टर दो लिमिट दी गई है. कितने लिमिट दी गए है दो. पहला लिमिट दिया गया है टोटल सेल्स ग्रेटर देन रुपीज 1 lakh. टोटल सेल्स ग्रेटर देन रुपीज 1 lakh. TS टोटल सेल्स ग्रेटर देन रुपीज 1 lakh एंड टोटल टैक्सेबल सेल्स और टोटल टैक्सेबल परचेस ग्रेटर देन और इक्वल टू रुपीज 10,000. ध्यान से देखो पहले लिमिट में मैंने क्या बोला टोटल सेल्स ग्रेटर देन रुपीज 1 lakh और दूसरे लिमिट में क्या बोला टोटल टैक्सेबल सेल्स और टोटल टैक्सेबल परचेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 10. मतलब एमवैट एक्ट 2002 ने क्या बोला कि अगर कोई डीलर जो इंपोर्टर है उसका अगर टोटल सेल्स उसका क्या एम्ब्रोस टोटल सेल्स किसी भी टाइम पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में किसी भी टाइम 1 lakh के ऊपर चला जाता है. 1 lakh के ऊपर ग्रेटर देन 1 lakh नॉट 1 lakh. इवन इफ इट इज 1 lakh तो भी नहीं चलेगा. ग्रेटर देन 1 lakh होना चाहिए. 1 lakh 1 चलेगा. 1 lakh चलेगा क्या. सो एनी टाइम डीलर का सेल 1 lakh से ज्यादा हो जाता है मतलब एक लिमिट या एक कंडीशन सेटिस्फाई की. यस और नो. ओके दूसरा कंडीशन क्या बोला हुआ है कि टोटल टैक्सेबल सेल्स या फिर टोटल दोनों में से एक या तो टोटल टैक्सेबल सेल्स या टोटल टैक्सेबल परचेज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000. मेरी बात आपके समझ में आ रही है. तो यहां पे अगर हम टोटल टैक्सेबल सेल्स देख रहे हैं और टोटल टैक्सेबल परचेज तो आपको अमाउंट देखोगे तो 10,000 या उससे ज्यादा. और पहले लिमिट में क्या है ग्रेटर देन 1 lakh. मैं पहले लिमिट के कुछ एग्जांपल देता हूं. आप जस्ट आप बोलोगे वेदर द लिमिट इज सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड और कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड. मैं अमाउंट बोलता हूं पहले कंडीशन के लिए. टोटल सेल्स डीलर का टोटल सेल्स है 5 lakhs. सेटिस्फाइड के नॉट सेटिस्फाइड 4 lakhs 3 lakhs 2 lakhs 10 lakhs 11 lakhs 90,000 80,000 8 lakhs 80 lakhs 40 lakhs 20 lakhs 30 lakhs 10,000 10 lakhs 21,000
2,10,000. 1 lakh. Not satisfied. 1 lakh से ज्यादा होना चाहिए. It should be greater than. Sign देखो क्या है. Greater than rupees 1 lakh. मतलब 1 lakh भी होगा तो भी नहीं चलेगा. 1 lakh से ज्यादा होना चाहिए. Clear or not? लेकिन अभी total taxable sales या total taxable purchase या तो 10,000 या उससे ज्यादा. मतलब यहां पे 10,000 रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि equal to भी sign डाला है ना मैंने. Even if it is equal to 10,000, then also it is satisfied. 9,000 होगा तो 8,000, 7,000, 13,000, 13,000, 10,000, 11,000, 1 lakh, 9 lakh, 90,000, 99,999, 1 lakh, 10,000, 9,900. 9,800, 10,100, समझ में आ रहा है आपको? 100%, ओके. तो ये दो लिमिट दी गई. अगर ये दो लिमिट, ये दोनों के दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाइड किए, देन द इंपोर्टर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. इंपोर्टर को क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी. अगर डीलर इंपोर्टर है और ये सेटिस्फाइड हो गया, उसका टोटल सेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 1 lakh से ऊपर हो गया और टोटल टैक्सेबल परचेस या टोटल टैक्सेबल सेल दोनों में से कोई भी एक या तो 10,000 या 10,000 से ऊपर गया, देन द डीलर मस्ट कंपल्सरीली रजिस्टर हिमसेल्फ एंड शुड पे द टैक्स अंडर एमवेट एक्ट 2002. ऐसा बोला एमवेट एक्ट 2002 ने. मेरी बात समझ में आ रही है आप? 100%, ओके. नाउ सिमिलर वे दे हैव गिवन द कंडीशन फॉर अदर डीलर. अदर डीलर के लिए बोला कि इफ द टोटल सेल्स इज ग्रेटर देन रुपीज 10 lakhs, ग्रेटर देन रुपीज हाउ मच? 10 lakhs, एंड का मतलब दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए. अगर टोटल सेल्स ग्रेटर देन 1 lakh हो गया लेकिन टोटल टैक्सेबल सेल्स या टोटल टैक्सेबल परचेस 10,000 के ऊपर गया ही नहीं या 10,000 भी नहीं बना, तो लायबल होगा क्या? नहीं, बिकॉज बोथ द लिमिट्स शुड बी क्रॉस्ड. यस और नो? या बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड. अगर दोनों कंडीशन हो गया तो ही रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. एक हो गया, दूसरा नहीं हो गया, नहीं चलेगा. दूसरा हो गया, पहला नहीं हो गया तो भी नहीं चलेगा. दूसरा इस फाइनेंशियल ईयर में हो गया और पहला अगले फाइनेंशियल ईयर में हो गया, वो भी नहीं चलेगा. दोनों के दोनों कंडीशन एक ही फाइनेंशियल ईयर में होने चाहिए. फाइनेंशियल ईयर का मतलब समझ में आता है ना? फाइनेंशियल ईयर का मतलब अप्रैल टू मार्च. पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में दोनों कंडीशन एक साथ, समझो एक फाइनेंशियल ईयर में पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया लेकिन दूसरा नहीं हुआ, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, दूसरा फाइनेंशियल ईयर आ गया, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे क्या? अरे पिछले साल तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड किया था, अभी दूसरा कंडीशन देखते हैं. नहीं, पिछला साल गया वो गया, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, देखने का नहीं. नया फाइनेंशियल ईयर आ गया, दोनों कंडीशन नए तरीके से देखे जाएंगे. आर यू गेटिंग मी और नॉट? पक्का? अब इसको दूसरा कंडीशन क्या दिया? ये तो समझा 10 lakhs, मतलब 1 lakh का सीधा क्या हो गया? 10 lakhs. और फिर बोला टोटल टैक्सेबल सेल्स और टोटल टैक्सेबल परचेस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रुपीज 10,000. ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑमस होना 10,000. मतलब दूसरा कंडीशन दोनों के लिए सेम है, फर्क सिर्फ पहले कंडीशन में. टोटल सेल्स लिजिटा इंपोर्टर के लिए कितना होना चाहिए? 1 lakh. और अदर डीलर के लिए 10 lakh. 1 lakh होना चाहिए क्या? 1 lakh से ज्यादा होना चाहिए? 1 lakh से ज्यादा. और यहां पे भी 10 lakh से ज्यादा होना चाहिए. आर यू क्लियर और नॉट? अब अदर डीलर का अगर सेल है 8 lakh, टोटल सेल्स इज 8 lakh, सेटिस्फाइड के नॉट सेटिस्फाइड? और 11 lakh हो तो? 10 लैक्स हो तो? नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि 10 लैक्स के ऊपर होना चाहिए. अब ध्यान से सुनना, ये पक्का समझ में आ गया? तो जब भी हम लोग रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे ब्रेंडन? वेदर द डीलर इज एन इंपोर्टर और एन अदर.
इंपोर्टर है दो कंडीशन, अदर डीलर है तो भी दो कंडीशन, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग। इंपोर्टर के लिए टोटल सेल्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1 लाख, एंड अदर डीलर के लिए टोटल सेल्स मस्ट बी ग्रेटर देन, और अदर डीलर के लिए टोटल टैक्सेबल परचेज और टोटल टैक्सेबल सेल्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000, और इंपोर्टर के लिए फिर सेम कंडीशन, बराबर है कि नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। सेकेंड कंडीशन दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो फर्स्ट ये हो गया, तो फर्स्ट यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इंपोर्टर और अदर डीलर, फिर उसके बाद कंडीशन आप लिखोगे, फिर उसके बाद आपको कंडीशन चेक करने हैं। अब जब आप कंडीशन चेक करने जाओगे तो कंडीशन में पहला ही टर्म क्या डाला हुआ है, टोटल सेल्स, पहला टर्म क्या डाला हुआ है हम लोग ने, टोटल सेल्स। अब सबसे पहले आपको कंडीशन चेक करने से पहले टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो एमवेट एक्ट 2002 ने इसको भी डिफाइन किया है कि टोटल सेल्स में आपको क्या क्या लेना है। अभी सेल्स में परचेस थोड़ी ना लोगे, सेल्स ही लोगे ना, लेकिन कौन सा सेल्स एम्ब्रोज, तो यहां पे टोटल सेल्स में आपको कौन सा उन्होंने क्या बोला है, सेल ऑफ टैक्सेबल एज वेल एज टैक्स फ्री गुड्स, दोनों भी, मतलब पूरा सेल लेना आपको, टैक्सेबल या टैक्स फ्री गुड्स दोनों भी चलेगा। विद इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर बेच रहे हो वो भी चलेगा, विद इन महाराष्ट्र एंड आउटसाइड महाराष्ट्र, सेल ऑफ टैक्सेबल एज वेल एज टैक्स फ्री गुड्स। डीलर है, ध्यान से सुनना, डीलर है टैक्स फ्री गुड्स बेचता है आउटसाइड महाराष्ट्र में, आएगा क्या टोटल सेल्स में? एक डीलर है जो महाराष्ट्र के बाहर गुड्स बेचता है आउटसाइड महाराष्ट्र, मतलब गोवा में गुड्स बेचता है ना, अपना ब्रेंडन है, गोवा से दारू खरीदी करता है और इधर से मटन उधर बेचता है, बरोबर है कि नहीं? सो ही सेलिंग द गुड्स आउटसाइड महाराष्ट्र, गोवा में बेच रहा है गुड्स, एंड दैट टू टैक्स फ्री, टोटल सेल्स में लेने का कि नहीं लेने का, सोच समझ के जवाब दे, क्यों नहीं लेने का, क्या बोला है मैंने वेरना, यहां पे ध्यान से देख, टैक्सेबल एज वेल एज टैक्स फ्री गुड, टू टैक्सेबल बेच या टैक्स फ्री बेच, विद इन महाराष्ट्र बेच, आउटसाइड महाराष्ट्र बेच, कुछ भी बेच, मतलब इन शॉर्ट सारे सेल्स आएंगे। इन शॉर्ट क्या है, सारे सेल्स आएंगे, ऑल द सेल्स, किसी भी सेल्स को ये बोल नहीं सकते हो तुम कि ये नहीं आएगा, ऑल द सेल्स विल बी कवर्ड इन टू दिस, सोचना ही नहीं था आपको, बिकॉज आई सेड सेल ऑफ टैक्सेबल एज वेल एज टैक्स फ्री, मतलब टैक्स जो सेल कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है तो भी कंसिडर करना है, टैक्स फ्री है तो भी कंसिडर करना है, महाराष्ट्र के अंदर बेच रहे हो तो भी लेना है, महाराष्ट्र के बाहर बेच रहे हो तो भी बेचना है। अभी समझो किसी डीलर ने चाइना में गुड्स बेचा, लेना है कि नहीं लेना है, लेना ही है ना, महाराष्ट्र के बाहर ही हो गया ना, आउटसाइड महाराष्ट्र हो गया, आर यू क्लियर और नॉट? तो सेल ऑफ टैक्सेबल एज वेल एज टैक्स फ्री गुड्स विद इन महाराष्ट्र एंड आउटसाइड महाराष्ट्र, कि हम रोज चाइना में बेचा तो लेने का कि नहीं, लेकिन चाइना तो इंडिया में नहीं आता है, लेकिन आउटसाइड महाराष्ट्र तो आता है ना, मैंने आउटसाइड महाराष्ट्र बोला है कि नहीं, किसने बोला कि चाइना महाराष्ट्र में आता है, चाइना का माल खाली महाराष्ट्र में आता है, चाइना थोड़ी आता है, से यस और नो, अंडरस्टूड टोटल सेल्स का मीनिंग, इन शॉर्ट सारे सेल्स लेने हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सब कुछ आता है, कंडीशंस आर इजी, थ्योरी बहुत छोटी है, प्रॉब्लम भी मजेदार है, लेकिन बाद में अरे सर मैंने गड़बड़ किया, ये सेल लिया ही नहीं, अरे भाई मैंने तेरे को बोला था कि पूरा सेल लेना है, जितने भी सेल दिए फिर उसमें गड़बड़ कर देते। अब एक डीलर का ऐसा दिया हुआ है डेटा, सेल दिया हुआ है टैक्सेबल टैक्स फ्री, ऐसा डेटा दिया हुआ है, ओके 10,000 20,000
फॉर मंथ ऑफ से अप्रैल, अप्रैल में इतना किया, मई में इतना किया, मई में कितना किया उसने समझो 50,000 and 70,000। तो मैं बच्चों को सिखाता हूँ बेटा एक काम करना, अभी है ना टैक्सेबल है दोनों का टोटल कर, तो अप्रैल का सेल कितना आएगा 30,000 और मई का सेल कितना आएगा 1,20,000। सिंपल सी बात है कि नहीं? लेकिन हमारे क्वेश्चन वाले बहुत अच्छे रहते हैं, दे गिव द टोटल 30,000, 1,20,000। तो मैंने बच्चे को पूछा टोटल सेल्स कितना है, सर 60,000 फॉर अप्रैल एंड 2,40,000 फॉर मई, बरोबर ना? ऐड करो ना 10 + 20 + 30, 60 हो गया कि नहीं? अरे ये ऑलरेडी टोटल ही दिया हुआ है, होता है ऐसा, ऐसा होता है तुम्हारे साथ भी होगा, कोई ना कोई होगा, अभी जो एब्सेंट है वो लोग तो करेंगे ऐसा, है ना भाई? ऑलरेडी दिस इज टोटल सेल्स की नहीं बोलो, इसका टोटल लोगे क्या और नहीं, बस आपको यही लिखना है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। टोटल सेल्स का मतलब क्या है? सेल ऑफ टैक्सेबल एज वेल एज टैक्स फ्री गुड्स विद इन महाराष्ट्र एंड आउटसाइड महाराष्ट्र, समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है टोटल टैक्सेबल सेल्स। टोटल टैक्सेबल सेल्स, अब टोटल टैक्सेबल सेल्स का मतलब क्या होता है? सिंपल सा है मीनिंग एकदम, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स, टैक्स फ्री आएगा क्या यहां पे? नाम में ही बोल रहा है, कौन से गुड्स रे? टैक्सेबल, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स विद इन महाराष्ट्र एंड आउटसाइड महाराष्ट्र, कहीं पे भी बेचो लेकिन कौन सा होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? टैक्सेबल होना चाहिए, टैक्स फ्री रहेगा तो नहीं चलेगा। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है बोलो? यहां पे टैक्सेबल एज वेल एज टैक्स फ्री लेते हैं, यहां पे ओनली कौन सा लेते हैं? सो टैक्सेबल गुड्स सोल्ड इन चाइना। अब एक एक सवाल नहीं आता आपको, मैंने क्या बोला? एमवैट के अंदर टैक्स सिर्फ उसी गुड्स को लगेगा जो महाराष्ट्र में बिका जाएगा, जो महाराष्ट्र में सेल किया जाएगा उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। अगर महाराष्ट्र के बाहर बेचा तो एमवैट के अंदर टैक्स नहीं लगेगा। तो एक कॉमन सेंस लगाओ, देखता तुम्हारा कॉमन सेंस कितना चलता है। महाराष्ट्र के अंदर हुआ तो टैक्सेबल गुड्स हो सकता है, महाराष्ट्र के बाहर कैसे हो सकता है? लेकिन उन्होंने बोला है कि आउटसाइड महाराष्ट्र भी टैक्सेबल गुड्स कर रहे हो तो आपको वो भी इंक्लूड करने हैं। महाराष्ट्र का डीलर गोवा में बेच रहा तो एमवैट के अंदर तो टैक्स नहीं लगेगा। सर एमवैट के अंदर नहीं लगेगा ना, सीएसटी के अंदर तो लगेगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स होता है, इट कैन बी टैक्सेबल। एक ही थोड़ी इंडिया में टैक्स है, इंडियन गवर्नमेंट इज बिगेस्ट भिकमंगा, याद है ना मैंने बोला था कितने सारे टैक्स है, गटर का भी टैक्स है, सुबह जाते हो उस काम का भी टैक्स है, पढ़ाई करते हो उसका भी टैक्स है, आप कुछ भी करो गवर्नमेंट सबके ऊपर बोलते कुछ भी करो तुम, हम लोग को सिर्फ टैक्स दे दो बस। टैक्स में से हम लोग थोड़ा डेवलपमेंट कर रहे हैं, थोड़ा स्विस बैंक अकाउंट में डालेंगे, बात खत्म हो जाएगी, तुम्हारा भी भला हो हमारा भी भला हो, हमारा ज्यादा हो तुम्हारा कम हो, ये गवर्नमेंट का फंड है। तो टैक्स देखो, टैक्स लगेगा तो ध्यान से रखना, सेल ऑफ एवरीवन, सेल ऑफ टैक्स फ्री आएगा क्या यहाँ पे? 10,000 के लिए टैक्स फ्री लेने का क्या? नहीं। तो सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स विद इन महाराष्ट्र एंड आउटसाइड, बट विद इन आउटसाइड कहीं पे भी हुआ लेकिन कौन सा होना चाहिए? टैक्स। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? पक्का? अभी लास्ट का टर्म क्या बचा? टोटल टैक्सेबल परचेजेस, इसको डिफाइन करना है, वेरी सिंपल इट इज। अब यहां पे सेल आएगा कि परचेज आएगा? परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स, जाहिर सी बात है ऊपर बोला है ना। सो परचेज ऑफ विच गुड्स ब्रेंडन? टैक्सेबल गुड्स। परचेज ऑफ व्हाट? विद इन महाराष्ट्र, विद इन महाराष्ट्र ओनली,
मतलब परचेस करना है वो भी महाराष्ट्र से ही और वो भी टैक्सेबल गुड्स का होना चाहिए, परचेज होना चाहिए टैक्सेबल गुड्स का, और कहां से होना चाहिए, सिर्फ आउटसाइड महाराष्ट्र से अगर टैक्सेबल गुड्स खरीदी के तो नहीं चलबे। देखा तीनों टर्म को बहुत अच्छी तरह समझो, प्रॉब्लम ये टर्म एक बार समझ में आ गया ना तो प्रॉब्लम बहुत ही इजी है, 7 to 8 marks ऐसे कमाओगे, यू 7 to 8 marks यू कमाओगे। अगर ये टर्म्स बस हो गया खत्म, थ्योरी इज ओवर, नथिंग मोर, ये है रजिस्ट्रेशन का थ्योरी। इसके बाद अभी सिर्फ प्रॉब्लम करने, प्रॉब्लम भी एक प्रॉब्लम सिखा दूंगा, आगे के प्रॉब्लम आप बोलोगे सर हम लोग कर दे, सच ए सिंपल थिंग इट इज एमवैट। ओके चलो, तो मैंने क्या बोला, टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है एवरीवन, टोटल सेल्स मीन सेल्स ऑफ टैक्सेबल एज वेल एज टैक्स फ्री गुड विद इन महाराष्ट्र एंड आउटसाइड महाराष्ट्र। समझ में आ रहा है कि नहीं, विद इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के बाहर, टैक्सेबल हो या टैक्स फ्री हो सब चलेगा कि नहीं एमरो। लेकिन वो टोटल वाला फंडा याद रखना बॉस, 10 + 20 = 30, वापस उस 30 को ऐड मत करना, उतना तो कॉमन सेंस रखना, बराबर ना, ग्रेजुएट बनने जा रहे हो उसके बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, इतना कॉमन सेंस नहीं रहेगा, लफड़ा हो जाएगा, है ना। चलिए, सेल ऑफ टैक्सेबल एज वेल एज टैक्स फ्री गुड विद इन महाराष्ट्र एंड इन शॉर्ट ऑल द सेल्स लेने हैं, लेकिन वो टोटल वाला फंडा याद रखना। ओके आगे, टोटल टैक्सेबल सेल्स मीन सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स विद इन महाराष्ट्र, मतलब टैक्स फ्री नहीं लेना है, बस आप महाराष्ट्र के अंदर बेचो महाराष्ट्र के बाहर बेचो, लेकिन कौन सा होना चाहिए, सिर्फ टैक्स इसके लिए, और टोटल के लिए पूरा, वो तो उसमें तो सवाल ही नहीं, सब कुछ लेना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कौन सा लेना है, टैक्स। समझा कि नहीं समझा? और परचेस के लिए तो और कम, परचेस वो भी महाराष्ट्र के अंदर से और वो भी सिर्फ टैक्सेबल गुड्स का, किसका लेना है, टैक्स फ्री तो लेना ही नहीं है, नाम में ही बोला है ना, टोटल टैक्सेबल परचेस मतलब ओनली टैक्सेबल गुड्स का परचेस, और वो भी सिर्फ महाराष्ट्र से, आउटसाइड महाराष्ट्र से टैक्सेबल गुड्स खरीदी किया है तो नहीं आएगा, लेकिन आउटसाइड महाराष्ट्र से टैक्सेबल गुड्स खरीदी किया है तो उसका इंपोर्टर जरूर माना जाएगा, बरोबर है कि नहीं, अ डीलर हु परचेस गुड्स फ्रॉम आउटसाइड। अभी यहाँ पे एक लड़की, एक ऐसे में सिखा रहा था वहां पे अपना क्लासेस में, तो वहां पे मैंने ये सब सिखाया, तो ये कंडीशन वगैरह बताया, तो मैं बाद में क्वेश्चन रीड कर दिया, तो क्वेश्चन रीड किया ना, तो क्वेश्चन में उसका पहला ही सेल्स 10 lakhs है, तो सर बोला ये डीलर कौन सा है, तो सर ये है ना अदर डीलर है, बोला क्यों, तो सर उसका सेल्स 10 lakh है। अरे भगवान, डीलर को पहचानने के लिए मैंने सेल्स देखने बोला कि वो कहां से परचेस कर रहा है वो देखने बोला, बच्चे कंफ्यूज हो जाते, बच्चे क्या बोलते हैं, जिसका सेल 10 lakhs वो अदर डीलर, जिसका सेल 1 lakh वो इंपोर्टर, खत्म। ऐसा मत करो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेदर द डीलर इज द इंपोर्टर और अदर, और वो कैसे पहचानोगे, अगर डीलर ने गुड्स आउटसाइड महाराष्ट्र से खरीदी किया तो ही उसको क्या मानेंगे, ब्रेंडन इंपोर्टर, और अगर नहीं किया है तो अदर डीलर, और फिर उसके बाद कंडीशन आती है 1 lakh 10 lakh 10,000। आर यू क्लियर और नॉट, समझ में आ गया, प्लीज कॉपी दिस।